अगर नाखून तोड़ के कमरे में फेंक दे कोई नहुसत नहीं हो, तुम खुद जो नाखूनों के साथ कमरे में रहते हो उससे नहुसत नहीं होती, तुम्हारे तो 10 उंगलियों के नाखून तुम्हारे साथ हैं हर वक्त, सिर्फ एक फेंकने से नहुसत हो जाती है। पता नहीं कहां से मसले घड़ते हैं। बहरहाल आपकी शादी है, अल्लाह करे बाय से खैर हो, ये एक रिवाज है फूलों का हार पहनाना, वरना इससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। महाना तनख्वाह में अपने बहन भाइयों वालिदैन पे खर्चा करना बिल्कुल सबसे बड़ा बेहतर सदका तो यही है कि अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया जाए। हजूर पाक ने इरादा फरमाया था बीबी सौदा को तलाक देने का, लेकिन दी नहीं है तलाक। तुम्हें क्या मसला है इस मसले पूछने का? नहीं, मुझे बताएं आपको तकलीफ क्या है। अजीब बात है, बीबी सौदा को तलाक है ये नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या मसला है? आपने इरादा फरमाया था, बीबी सौदा भारी बदन हो गई थी, बुढ़ापा हो गया था, और उन्होंने आके फिर हजूर से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह इन्नी लाश्त है रिजाल, आप जानते हैं कि अब मुझे इन मर्दों की ख्वाहिश नहीं रही, मैं उस काबिल भी नहीं रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप मुझे तलाक न दे ताकि जन्नत में मैं आपकी बीवी बन के उठूँ, लिहाजा मैं अपना दिन जो है, अपनी नौबा जो है, वो बीबी आयशा को देती हूँ। तो हजूर ने फिर तलाक नहीं दी। औरत के लिए गैर मर्द की मैयत का मुंह देखना जायज नहीं है। अगर जूते पाक हैं तो उनमें नवाज हो जाती है। अगर 5 लीटर दूध में एक कतरा हराम का गिर जाए वो हराम हो जाएगा। अगर एक आदमी ने उम्रे के बाद हल्क नहीं कराया, पहले मूछें काट ली तो दम पड़ गई। मां और बीवी में हक मां का ज्यादा है।